पालीगंज के विक्रम थाना क्षेत्र में मेला घूमने के दौरान बाइक हादसा हो गया, जहां दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि गोलीबारी की गई, जिसमें पिता और पुत्र को गोली लग गई, जिसे एक गंभीर अवस्था में देखते हुए दोनों घायलों को पटना रेफर कर दिया गया। मामले में घायल हुए पिता की पहचान छोटेलाल प्रसाद और पुत्र की पहचान अशोक प्रसाद के रूप में हुई है। वहीं दूसरे पक्ष में एक बुजुर्ग भी घायल हो गया है, जिसका सिर फट गया है। तीनों घायलों को विक्रमगंज पीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां गोली लगने से छोटेलाल और अशोक नामक घायल पिता पुत्र को प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने पीएमसीएच रेफर कर दिया। इधर वजीरपुर गांव में हुई गोलीबारी और मारपीट के बाद गांव में दहशत का माहौल है। विक्रम थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि वजीरपुर गांव के पास दुर्गा पूजा मेला के दौरान दो बाइक की टक्कर हो गई, जिसके कारण विवाद बढ़ गया, जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट के दौरान गोलीबारी हुई। पुलिस ने एक दो नाली बंदूक, 22 चक्र, 12 बोर का गोली, 12 बोर का 7 फायर खोखा, 7.65 फायर किया हुआ 3 खोखा बरामद किया गया। प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। न्यूज क्राइम 24 के साथ आनंद मोहन की रिपोर्ट। सर, वजीरपुर में गोलीबारी की घटना हुई, क्या जानकारी है? आज शाम 6 बजे के आसपास में वजीरपुर गांव के दोनों अगल बगल के जो लोग हैं, बाइक टकरा गया और उसी के बीच बात को बढ़ गया और बीमार हुआ, जिसमें एक पक्ष द्वारा गोली चलाया गया, जिसमें हल्का इंजर्ड हुआ, जिसके इलाज के लिए भेजा गया एम्स में। पुलिस अपनी कार्रवाई की। इतनी जानकारी है कि दोनों पक्ष से गोली चली या एक ही पक्ष? जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास, बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी,